कमीने, तू फिर आ गया? चला जा यहाँ से, नहीं तो जला के राख कर दूंगी। यही तो मैं सोच रहा था कि शादी के बाद भी तेरे अंदर कितनी आग भरी पड़ी है। लगता है तेरा पति तेरी आग बुझा नहीं पाता। आज मैं तेरी आग बुझाऊंगा, समझी? तू क्या मेरी आग बुझाएगा? औरत को आग कहा गया है, आग। फिर भी मैं अपने आग को समेटे बैठी हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है। अरे मर्द को तो ठंडा कहा गया है, ठंडा, फिर भी वो आग की तरफ फुदकता रहता है और कहीं भी मुंह मारते रहता है, साला कुत्ते की तरह। छोड़ दे मुझे, छोड़। जब तू मर्द की कमजोरी को इतनी अच्छी तरह समझती है तो क्यों मुझे नोचने खसोटने पे मजबूर कर रही है? अरे अपनी मर्जी से मेरी बाहों में आ जाना, तेरी आग भी बुझाऊंगा और तेरा दिल भी निकाल लूंगा, समझी? अगर शिकार इतनी आसानी से हाथ आ जाए तो शिकार करने का क्या मजा? यही तो मैं चाहता हूँ कि तू भागती रहे। चल, आज मैं तुझे भागते देखना चाहता हूँ। जितना भाग सकती है भाग, भाग ना। आखिर तुम चाहते क्या हो? छोड़ दो मुझे। तेरा दिल और तेरा जिस्म दोनों। तेरा ये सपना पूरा नहीं हो सकता, ना ही तुझे मेरा दिल मिलेगा और ना ही मेरा जिस्म। यहाँ तेरी आवाज सुनने कोई नहीं आएगा। वैसे एक बात कहूँ, तेरी आवाज में भी बहुत कशिश है। छोड़ दे मुझे, भगवान के लिए छोड़ दे मुझे। अरे तू तो बहुत जल्दी ठंडी पड़ गई रे। अभी तो मैंने तेरे से कुछ किया भी नहीं है, अभी तो तेरी पूरी गर्मी निकालनी बाकी है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। छोड़ दूँ, छोड़ दूँ। जा। साली, हाथ आए शिकार को इतनी आसानी से छोड़ दूं? ये तो शिकारी का अपमान है ना। अरे ये तो बेहोश हो गई। खैर अच्छा है, सोने पे और सुहागा। चल अब तो और मजा आएगा।